बनारस सोहरनिया विधानसभा से बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपना दल एस के प्रत्याशी सुनील पटेल से चुनावी तैयारी को लेकर खास बातचीत की। हमारे सहयोगी ने इस दौरान सुनील अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आए। अपने 5 चरण को पार कर चुका है, शेष बचे 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की भाग दौड़ तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव को धार देने में जुट गए हैं। यदि बनारस की बात की जाए तो बनारस में अंतिम चरण में मतदान होना है, इसको लेकर के प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बनारस जनपद अंतर्गत पड़ने वाले रोहनिया विधानसभा से अपना दल के प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ और निषाद पार्टी के साथ जिनका गठबंधन है, आज हमारे साथ चुनावी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सुनील पटेल जी। आइए हम जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। सर, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है रफ्तार मीडिया में। धन्यवाद। पहला प्रश्न ये है सर आपसे कि आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सबका साथ सबका विकास हमारा मुख्य मुद्दा ही है। और आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जैसे हमारे क्षेत्र में रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने जनसंपर्क के दौरान लोगों को कहीं मारा कि सड़क बिजली और पानी का कि आप लोग इसको दुरुस्त करा के करिए, तो इस पर हम लोगों को विशेष फोकस रहेगा। तो हम लोगों को मानना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और अपना दल निषाद पार्टी के हमारे जो मुख्य पार्टी के मेंबर हैं, हम लोग चुनाव बाद उस पर बैठक करके, गहन बैठक करके जो मुख्य काम होगा उसे प्राथमिकता देके कराया जाएगा। यदि देखा जाए तो कम नहीं होता है, वो लोगों की इच्छाएं पार है, तो लोगों की इच्छा नहीं, ये काम होना चाहिए, तो हम करेंगे उस काम को। यदि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली योजना की बात कर रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ रहा है इस चुनाव में इसका? अखिलेश जी ये लोगों को बड़े बड़े लड्डू दे रहे हैं, गोले, ये सब रॉन्ग है, ये गलत है। जिस दिन 300 बिजली देंगे ना, उसी दिन सारा सिस्टम उनका फेल हो जाएगा। ये रॉन्ग लोगों को बहला फुसला रहे हैं अपनी जनता को। पिछली बार आपकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक और पूर्वांचल की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इस बार वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के खेमे में है, क्या लगता है आपको कितना प्रभावित करेगी पूर्वांचल और बनारस को? पूर्वांचल में उनका कोई असर नहीं है। अनिल राजभर जी हैं यहाँ पे जो कि राजभरों के नेता माने जाते हैं, राजभर उनके साथ खड़ा है। चुनाव यदि आप जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आपका प्रथम कार्य क्या होगा रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में? मैं जो भी हमने पहले बताया कि अपने पार्टी के सभी भारतीय जनता पार्टी अपना और निषाद पार्टी के अपने मेंबरों के साथ बैठक करके जहां पे उपयोग होगा काम का, जो ज्यादा जरूरी होगा उसको काम करने में हम लोग प्राथमिकता देंगे उस काम को। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि 7 मार्च के दिन हमारे रोहनिया विधानसभा की सभी जनता अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी के नेतृत्व में कप प्लेट के निशान पे भारी से भारी संख्या में वोट देकर जिता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन रूपया पटेल जी के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा आज हमारे साथ अपना दल रोहनिया से अपना दल के प्रत्याशी सुनील पटेल जी मौजूद थे, जिनसे हमारी चुनाव को लेकर खास चर्चा रही। आप हमारे साथ बने रहिए, रफ्तार मीडिया को देखते रहिए। कैमरामैन प्रदीप जायसवाल के साथ कन्हैया लाल, रफ्तार मीडिया।